वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें एबीसी, उसके अंदर मीडियन ई इज मिड पॉइंट ऑन मीडियन एडी। एक ई है जो कि मिड पॉइंट दे रखा है किस पर, मीडियन एडी पर, और हमको प्रूव क्या करना है, सो दैट एरिया ऑफ बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब कि हमें जो ये एक ट्रायंगल है इसका एरिया जो एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के 1/4 प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एडी इज ए मीडियन, एडी इज ए मीडियन, हमें एडी क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है। दूसरा हमें ई इज ए मिड पॉइंट, ई इज ए मिड पॉइंट, तो हम ये भी कह सकते हैं वी आल्सो प्ले रोल करेगा हमारा मीडियन का, वी इज आल्सो ए मीडियन। देखो अब जो हमारा एडी मीडियन है तो ये हमारे ट्रायंगल्स ए बी डी के दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, और ऐसे ही ये ए डी सी को भी हमारे इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। तो जब ए डी मीडियन है तो ई डी आल्सो ए मीडियन, हम ये कह सकते हैं ई डी इज आल्सो ए मीडियन किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ई सी। तो इसका मतलब ये हमको बी ई सी को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, किस किस में, बी ई डी में और सी ई डी में। तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये हमने ले लिया फर्स्ट। अब देखो जो हमारा बी ई है ये भी एक तरह से मीडियन कर रहा है किस में, ए बी डी ट्रायंगल में। तो हम ये कह सकते हैं बी ई आल्सो ए मीडियन टू ट्रायंगल ए बी डी, तो ये भी हमारे दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। अब देखो इसका एरिया इसके इक्वल है, इसका एरिया इसके इक्वल है, सिमिलरली इसका एरिया इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। अब देखो हमारे यहाँ पे ये मैंने सेकंड मान ली, ये मैंने थर्ड मान ली, तो हमारे देखो चारों का एरिया आपस में इक्वल हो गया, चारों के चारों का, इसका इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ये चारों आपस में इक्वल हैं। तो ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। अब हमारा चारों का इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं इससे कि जो हमारा एरिया ऑफ बी ई डी है वो 1/4 ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, मतलब कि ए बी सी हमारे चार इक्वल भाग में डिवाइडेड है। तो इससे ये प्रूफ होता है एरिया ऑफ बी ई डी जो है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।